हेलो एवरीवन, आज अपन कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की अनदर वीडियो जो कि है रूल ऑफ डिवीजन पे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझ लिया था, कांस्टेंट रूल देखा था, रूल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे रूल अपन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे 10th क्लास इन इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो अपलोड हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को 3 PM हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन रूल ऑफ डिवीजन से। रूल ऑफ डिवीजन में अपन सबसे पहले चीज तो ये देखने वाले हैं कि इसका रूल क्या होता है। रूल ऑफ डिवीजन में क्वेश्चन आता है ऐसे, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो अब वो कैसे निकालोगे, तो उसका क्या बनता है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, वही डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x के रिस्पेक्ट में। अब इज इक्वल टू लगाएंगे, सबसे पहले अपन रखेंगे v को कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू का अपॉन डी एक्स, फिर लगाएंगे माइनस। अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तब बीच में प्लस लगाते हैं और डिवीजन करते हैं जब अपन बीच में माइनस लगाते हैं। फिर अपन करेंगे यू को कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करेंगे वी का, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और अपॉन लिखेंगे वी का स्क्वायर, ये अपन करेंगे। तो मतलब अपन को सबसे पहले v को कांस्टेंट रखना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस लगाना है, u को कॉमन लिखना है विदाउट डिफरेंशिएशन और फिर v का डिफरेंशिएशन करना है और अपॉन में v का जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे। एक सिंपल क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, ये ले लेते हैं अपन। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, मैं पेन चेंज करता हूँ और अपन इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ये अपन ने लिख दिया। अब अपन डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन रखेंगे वी को कॉमन, 3x स्क्वायर को अपन कॉमन रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे 3x क्यूब का अपॉन डी एक्स माइनस, अब u को कॉमन रखेंगे, u क्या है 3x क्यूब और डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे 3x स्क्वायर का अपॉन डी एक्स, अपॉन करेंगे अपन v का स्क्वायर, v क्या है 3x स्क्वायर और इसका अपन को होल स्क्वायर करना है, ये चीज़ अपन को करनी है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ का 3x स्क्वायर सेम टू सेम रह जाएगा, फिर इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे 3x क्यूब का तब ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, ओके। फिर माइनस करते हैं अपन, फिर वही लिख देंगे अपन 3x क्यूब, फिर यहाँ का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x, ये बचेगा और अपॉन में बचेगा 3 3 9 9x 4, ये हो गया अपना। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं और आगे, यहाँ पे आ जाएगा 27x 4 माइनस यहाँ पे 18x 4 अपॉन 9x 4। अब आगे भी ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9x 4 अपॉन 9x 4, अब ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा 0। तो यहाँ पे ये अलग से 0 बच रहा है क्योंकि मैंने डिजिट लगभग सेम ले ली थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, बट जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा। तो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम टाइप आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन एक्स प्लस 1 और एक नीचे टर्म ले लेंगे एक्स माइनस 1, ये लिख लेते हैं और इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, v वाले को कॉमन लेंगे, तो टी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v को कॉमन लेते हैं x माइनस 1, ये कॉमन ले लिया और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे x प्लस 1 का करेंगे, फिर लिख दिया अपन ने माइनस, फिर अपन कॉमन रखेंगे x प्लस 1
और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपन x माइनस वन का, अपॉन डी एक्स यहाँ पे अपॉन डी एक्स, और अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में अपन लिखेंगे v स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर। ओके, ये चीज अपन करने वाले हैं। अब सबसे पहले अब जब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वन, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब वन बचेगा, वो कैसे, वन का तो जीरो हो जाएगा और x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब वन होती है, वन वन में इंटू हो जाएगा तो वन ही आएगा, और वन में से वन माइनस हो जाएगा मतलब पावर के वन में से जब अपन वन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, तो इस वजह से x हट जाएगा और x से आगे जब कुछ नहीं होता तब वन होता है, तो इसलिए ओनली वन बचेगा, तो यहाँ पे वन बच गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे x प्लस वन हो रह जाएगा और यहाँ पे भी क्या बचेगा, वन बचेगा। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे, ये एक फॉर्मूला बनता है, ये x माइनस वन एक फॉर्मूला बनता है, ये स्क्वायर ये एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनता है, इसमें क्या करते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला अपन को यहाँ पे नीचे यूज़ करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर तो यानी एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स और प्लस वन, यानी वन का स्क्वायर जो भी होगा वो वन ही आएगा, इसलिए बी का स्क्वायर, यानी इसको अपन ए मानते हैं और इसको अपन बी मानते हैं और बीच में अपन माइनस यूज़ करते हैं, ये वाली फॉर्मूला है। ओके, तो ये अपन ने लगा लिया है और ये आ गया है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन ही रह जाएगा, और यहाँ पे भी अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्स प्लस वन ही रह जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब अपन यहाँ पे वही सम वापस लिख देते हैं, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये था। अब आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये चीज ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स माइनस वन बाहर माइनस है तो अंदर की डिजिट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स और माइनस वन ये आ जाएगा, तो अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ये था, अब ऊपर क्या रह गया, माइनस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ये रह गया, तो अब ये रह गया अपना इसका आंसर। ओके, तो ये आ जाता है इसका आंसर। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना होता है, जहाँ पे फॉर्मूला कोई लग रहा है तो वो लगाना होता है, जहाँ पे नहीं लग रहा है तो वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, और जैसे जैसे सॉल्व होता जाता है वैसे वैसे आपको सॉल्व करते रहना होता है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप कर लेना ताकि आपका भी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। एक है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये वही क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले किया था, बस साइन में थोड़ा सा चेंजेस है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स फोर अपॉन टू एक्स, ये दो क्वेश्चन है ये जो आप कोशिश करना कि आपसे हो जाए और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।